नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीयूईटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीयूईटी 2024 का फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है पीजी के लिए और बहुत सारे छात्र जो है वो फॉर्म भरने जा रहे हैं या भर चुके हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में ही बोलना चाहूंगा, प्लीज अभी फॉर्म ना फिलअप करें। अभी जब तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ना दूं तब तक आपको फॉर्म नहीं फिलअप करना है। फॉर्म क्यों नहीं फिलअप करना है आज इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। साथ ही साथ जिन लोगों को फॉर्म फिलअप करना चाहिए ये बता दूंगा कि फाइनली ये चीजें आपको अगर मिलती हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप अभी कर सकते हो। क्योंकि दो तीन बेसिक चीजें जो मैं हमेशा बोलता रहता हूं वीडियोस में, फॉर्म अभी आए हैं, बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, अभी मात्र 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो प्रॉपर वे में फॉर्म को स्टेबल हो जाने दो। जितने भी डैशबोर्ड्स हैं, जितने भी कोड हैं, जितने भी आइकन हैं, वो विजिबल हो जाने दो। पहला तो ये हमेशा मैं बोलता हूं, कोई भी फॉर्म है तो फॉर्म तुरंत नहीं फिलअप करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर सीयूटी पीजी के फॉर्म को ना फिलअप करने के और भी कई सारे बहुत सारे कारण है। आप सभी को बता दूं कि इस बार बदलाव हुए हैं, बदलाव आपके पेपर कोड में, कई सारे सब्जेक्ट्स में और यूनिवर्सिटीज में हुआ है। जैसे कि पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं देखा, कुछ मुझे इंस्टा डीएम भी मिले कि सर बीएचयू तो सो ही नहीं कर रहा है, बीएचयू ही नहीं जेएनयू भी नहीं सो कर रहा है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया उसका होम पेज, और ठीक है ये पुराना वाला खुल गया है, हम लोग नए वाले पे आ जाते हैं। ये है इसका नया वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटीज में चलते हैं। यूनिवर्सिटीज जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्ट कर चुका है सीयूटी पीजी को, उनका यहाँ पे आइकन दिख रहा है, नेम भी दिख रहा है, लेकिन कहीं भी हमारा यहाँ बीएचयू अभी नहीं दिख रहा, ठीक है। इवन डीयू दिख रहा है, डीयू के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सिटी आप डेली दिख रहा है, लेकिन जेएनयू और बीएचयू नहीं है, इसके बाद यहाँ पे नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की पूरी लिस्ट भरमार लगी हुई है। तो किनको फिलअप करना चाहिए, जिसका एकदम फाइनल है कि मुझे इन विश्वविद्यालयों में जाना, ये जो पूरे लिस्ट है, तब वो फॉर्म फिलअप कर दो। लेकिन बीएचयू और जेएनयू इलाहाबाद डीयू इन लोग में जाना है, डीयू है लेकिन फिर भी अगर इन लोग में जाना है तो अभी इंतजार करो, क्योंकि कई सारे पेपर के जो कोड है वो देखना बदले जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ लॉजिकली कि क्यों बदले जाएंगे। ये इसका इन्होंने बुलेटिन दिया है जिसमें पूरा प्रॉपर वे में समझाया है कि इस बार का जो सीयूटी पीजी है वो कैसे होने जा रहा है। बेसिक चीजें आपको बता दूं मैं, जो यहाँ पे हम लोग पार्ट वन पार्ट टू बोलते थे ना हमेशा पीजी में, लाइक एमए हिस्ट्री है, एमए हिंदी है, एमए इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, हिंदी है, हर में पार्ट वन पार्ट टू आता था। पार्ट वन पार्ट टू, पार्ट ए में एप्टीट्यूड, पार्ट टू में डोमेन, यहाँ पे इन्होंने ओनली डोमेन कर दिया है। 75 क्वेश्चन 105 मिनट के अंदर आपको करना पड़ेगा, ये बदलाव है एक। इससे बड़ा बदलाव भी बताऊंगा मैं, आपके जो भी पुराने मेथड थे कि ऑनलाइन ही होगा, हाँ ऑनलाइन ही होगा, क्वेश्चंस की जो वैल्यू थी 4 वो भी उतना ही है, -1 डिडक्शन है, ये तमाम चीज जो पहले होता था वही यहाँ पे भी है। लेकिन हम लोग अगर देखें तो जो कोड है इसमें बदलाव के तौर पे जो मुझे नजर आया, सबसे पहले तो बीएचयू अभी नहीं आया है, उसकी वजह से बीएचयू के जो कॉमन पेपर हुआ करते थे लाइक मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन हो गया या लॉ हो गया तो इनके अलग अलग कोड विजिबल थे। जैसे कि मास कम्युनिकेशन अगर आईएमसी से करना चाहते हो या कोई और यूनिवर्सिटी, तो हो सकता है कि वो मास कम्युनिकेशन का पर्टिकुलर कोई सिलेबस जो कि मास मीडिया से संबंधित है वो वाला एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन बीएचयू में अगर मास कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आपको पर्टिकुलर बस क्या जनरल पेपर देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना ही नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में जनरल पेपर में एक बहुत बड़ा बदलाव जो सिलेबस के अंदर देखा जा रहा है वो भी डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं आपसे बस ये डिस्कस कर रहा हूं कि अभी बीएचयू ने अपना बुलेटिन जारी नहीं किया है, क्योंकि बीएचयू अभी यहां अपना डैशबोर्ड आइकन शो नहीं किया है, तो अभी बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके कोड बदले जा सकते हैं, बीएचयू के अकॉर्डिंग वहां पे वो कोड आएगा, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप अगर एमए या एमएससी या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स मास्टर्स करना चाहते हो तो वो कोड ही आपको यूज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि फॉर्म अभी फिलअप नहीं करना है। जहां तक बात रह गई किन किन सब्जेक्ट्स में बदलाव ये देखे जा सकते हैं, तो मैं हिंदू स्टडीज की बात कर लूं। हिंदू स्टडीज का अपना खुद का एक पर्टिकुलर सिलेबस है जिसमें हिंदू कल्चर, हिंदू के जो टेम्पल्स हैं, जो वेद हैं, जो रामायण महाभारत है, वो सब पूछा जाएगा। लेकिन आप जब इसका बुलेटिन पढ़ोगे तो देखोगे कि इन्होंने कॉमन पेपर में उसको दे दिया है, तो कहीं ना कहीं वो आपको चेक करना है। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है,
जो कि मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि इसके कई सीरीज आ सकते हैं, कई पार्ट्स आ सकते हैं। मैं लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एनटीए से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बीएचयू ऑफिशियल लेवल पे पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ अभी कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो आपकी तरफ से हो सकते हैं, ठीक है। लाइक लॉ है तो लॉ के लिए बीएचयू में जनरल पेपर ही है, ठीक है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में लॉ के लिए पर्टिकुलर उसका डोमेन भी है। तो अभी बीएचयू आएगा तो लॉ ऑलरेडी यहाँ पे जनरल पेपर दिया हुआ है, लेकिन बीएचयू जब आएगा तो हो सकता है अपना सेपरेट कोड लेकर आए, या फिर वो जो जनरल पेपर का कोड यहाँ पे है उसी कोड के माध्यम से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। मैं ये बदलाव जो है और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कमिंग वीडियोज में एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि पाठशाला पे पूरे कोर्स चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे यूजी पीजी के कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें पीजी के जो कोर्सेज हैं वो लगभग यहाँ पे 50% डिस्काउंट कर दिए गए हैं, 500 का टेस्ट सीरीज फ्री कर दिया गया, पर्टिकुलर पूरा जो डोमेन है उसके लिए स्पेसिफिक टीचर लगाए गए हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, और आप आराम से कॉल करिए, काउंसलिंग कराइए, बेहद जरूरी है। भाई ध्यान से सुनो मेरी बात, आप जब भी कहीं पे भी अपना प्रिपरेशन के लिए इनरोलमेंट कराएं किसी भी कोचिंग में, सबसे पहले आप उनको कॉल करके अपनी काउंसलिंग कराएं, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बता दें और उनसे पूछें कि आप अब हमें बताइए हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कौन कौन से यूनिवर्सिटीज और उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा जो कोर्स है वो हम लोग कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पूरे 6 महीने 4 महीने 5 महीने मेहनत करते हैं और पेपर देते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं काउंसलिंग के लिए तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं और उनका दाखिला नहीं हो पाता, एडमिशन नहीं हो पाता है। पाठशाला पे अगर आप आते हो, मैं यहाँ पे जितने भी मेंटर्स हैं वो ऑलरेडी मीटिंग करके पूरी बेसिक चीजों की जानकारी रखते हैं, वो आपको पूरे 10 मिनट में आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी आपके चॉइसेस के अकॉर्डिंग आपके एम के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि आपके लिए फेवरेबल यूनिवर्सिटी है और इस फेवरेबल यूनिवर्सिटी में ये जो कोर्स है ये आपके लिए परफेक्ट पड़ेगा, आप इसकी प्रिपरेशन ऐसे करिए और आप ऐसे अपनी पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग हर वीडियो देखें, अभी मेरी कमिंग वीडियो जो पूरे सिलेबस पे आने वाली है वो जरूर देखें और इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने सोशल मीडिया पर डालें, जिससे कि पता चल सके कि अभी फॉर्म नहीं फिलअप करना है। जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो देके बताऊंगा कि फॉर्म फिलअप करिए तब आप फॉर्म फिलअप करिएगा, ठीक है। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक डू शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। हर हर महादेव।